वेलकम वेलकम रूबी के किचन में वेलकम मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। आज हम झटपट ईद स्पेशल में बनाएंगे नवाबी सेवइयां, झटपट मजेदार सी, वो भी मेरे स्टाइल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं, बराबर में ये बेल का जो आइकॉन है उसको दबाने से आपको मेरी रेसिपी सबसे पहले फ्री में देखने मिलेगी। वीडियोस अच्छी लगे थम्स अप दें। देखें, हमारे पास यहाँ एक गहरा बर्तन है और एक फ्लैट है, तो ये गहरे वाले बर्तन का हम चूल्हा ऑन कर देते हैं, मीडियम लो रखते हैं और इसमें डालते हैं 3 टेबलस्पून तेल। अगर आप चाहें तो इसमें मक्खन भी डाल सकते हैं और चाहे तो घी भी डाल सकते हैं, अच्छा लगेगा। और यहाँ देखें हमारे पास है सेवइयाँ, ये मेरी अलग ब्रांड की है और ये अलग ब्रांड की है, 150 ग्राम है। तो बेसिकली हमें 1.5 पैकेट ये डालना है। तो ये आधी को मैंने चूरा कर लिया, तो मैं बताती हूँ मैं किस तरह से चूरा करती हूँ बिना मैस किए। ज़रा सा इसको पहले काट लेंगे हल्का सा, ताकि एयर जो है वो निकल सके। और अब इसको दबाना शुरू कर देते हैं, तो थैली में ही तोड़ देंगे, अदरवाइज़ जब बाहर निकाल के तोड़ो तो बड़ा मैस होता है, यहाँ उड़ रही है, वहाँ उड़ रही है, हर जगह उड़ रही है। तो इसे हमें बिल्कुल छोटा छोटा कर देना है। तो बस ऐसा करेंगे और ये तेल जो है हमारा गरम हो गया, अगर आपका घी गरम हो गया हो तो इसमें डाल दें। अब इसको हम अपने पैन में डाल देंगे। इसी तरह दूसरा जो आधा पैकेट है वो भी डाल देंगे और इसको आप रोस्ट करेंगे। चूल्हा हमारा है मीडियम लो। अब इसे तो मीडियम लो रखा है ना हमने, तो इसको नज़र रखेंगे, भूनते भूनते हम यहाँ आ जाते हैं, इसका चूल्हा ऑन करते हैं और इसको रखते हैं मीडियम हाई। और यहाँ हमारे पास रेगुलर मिल्क है 2 कप, ये डाल देंगे। अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि उबला हुआ है कि नहीं उबला हुआ है, तो बेसिकली हमारे यहाँ तो बॉयल्ड ही आता है, तो हमेशा सारा बॉयल्ड ही होता है। तो इसको फ्रिज वाला है, थोड़ा सा गर्म करेंगे अच्छे से, इस पर नज़र रखेंगे और इसको भूनते जाएंगे। यहाँ देखिए 3-4 मिनट हो गए हैं। अब इसमें हम क्या करते हैं, थोड़ी सी पाउडर शुगर डाल देते हैं। यहाँ मेरे पास देखें 6 टेबलस्पून है, ये डाल देंगे। आप चाहें तो रेगुलर भी डाल सकते हैं, लेकिन ये कि पाउडर अगर डालेंगे तो जल्दी से डिसॉल्व हो जाएगी, और अगर आप चाहें तो थोड़ी ज़्यादा भी डाल दें और थोड़ी कम भी डाल सकते हैं। और अब इसको मिलाएंगे जब तक थोड़ा सा ये मिक्स ना हो जाए, अच्छी सी मीठी मीठी ना हो जाए। देखिए फैला हुआ लेने की वजह यही थी बर्तन कि ये बालाई जो है वो आती जाए फैले हुए में और हम अंदर डालते जाएं, और जो गहरा बर्तन होता है उसमें क्या उबाल आता है फास्ट, और इसमें इस तरह से पकता जाता है दूध और गाढ़ा होता जाता है। तो ये देखिए इनफ जो है वो गाढ़ा हो गया और इसकी मलाई जो है वो हमने ले ली, स्क्रेप कर ली। अब हम क्या करते हैं, सेवइयों पर नज़र रखते रखते यहाँ हमारे पास 1/2 कप दूध है, जो कि मेरा तो फ्रिज का है, इसमें मैं डालूंगी 2 टेबलस्पून कस्टर्ड पाउडर। आप कस्टर्ड पाउडर भी डाल सकते हैं और अगर आप चाहें तो कॉर्न स्टार्च जो होता है ना, कॉर्न फ्लोर कॉर्न सूप बनाने वाला, वो भी डाल सकते हैं, लेकिन इसमें फ्लेवर है, अदरवाइज़ अगर वो डालेंगे तो थोड़ा सा किसी भी किस्म का आपकी चॉइस का फ्लेवर डाल दीजिएगा। तो चलिए ये डाल देते हैं 1/2 कप दूध में, मेरा वेनिला है, और उसको अच्छे से मिला लेते हैं। चलो ये हो गया, सेवइयों को एक नज़र देख लेते हैं, थोड़े चम्मच चला देते हैं। देखिए शुगर जो है वो डिसॉल्व होना शुरू हो गई है इसमें, तो चलिए दूध पे आते हैं, तो थोड़ा सा हिला लेते हैं, स्क्रेप कर लेते हैं थोड़ा सा। और अब चूल्हे को कर देंगे मीडियम, पहले हमने रखा था मीडियम हाई और अब मीडियम कर देते हैं। और एक हाथ से कस्टर्ड पाउडर पकड़ेंगे और एक हाथ में चम्मच पकड़ेंगे और इसको धीरे धीरे डाल के चलाते जाएंगे।
अब चूल्हे को मीडियम था तो मीडियम लो कर देंगे और इसको थोड़ा सा कुक करेंगे तकरीबन 3-4 मिनट के आसपास, और नज़र रखते रहेंगे और हिलाते रहेंगे। चले अब सेवैयों को देख लेते हैं। हाँ, सेवैयाँ देखें बड़ी अच्छी सी रोस्ट भी हो गई है, इसमें शुगर डिज़ोल्व हो गई है। अब इसमें हम डालेंगे 3 टेबलस्पून दूध पाउडर ताकि फ्लेवरफुल अच्छा सा लगे, ज़बरदस्त सा, रिच सा। किसी भी किस्म का दूध पाउडर यूज़ कर सकते हैं, मेरा नीडो है। मेरा नीडो है और अनस्वीटेंड है। चलो अब यहाँ कस्टर्ड को भी देखते जाते हैं, इसको वक्तन वक्तन चलाते जाएंगे और इसको भी चलाते जाएंगे। देखिए ये इनफ थिक हो गया है, तब इसमें हमारे पास दो ऑप्शन है इसको रिच एंड क्रीमी बनाने के लिए, या तो हम इसे में कंडेंस मिल्क डालें या शुगर डालें और दूध पाउडर डालें। अब आपकी मर्जी है, आपको जो डालना हो डालें। तो मैं क्या कर रही हूँ कि इसमें 3 टेबलस्पून दूध पाउडर डाल रही हूँ और यहाँ मेरे पास है 1/2 कप शक्कर, ये डाल रहे हैं और इसको मिला लेते हैं अच्छे से। और अगर आप कंडेंस मिल्क डालें तब आपकी चॉइस है, आपको कितना मीठा पसंद है उस हिसाब से आप डालें। तो ये तकरीबन 12 मिनट के आसपास हो गए हैं, सेवैयों को हम पका रहे हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें ये एक डिश हमने ली है, कोई भी आप अपनी पसंद से डिश ले सकते हैं, स्क्वायर ले लें, राउंड ले लें, इंडिविजुअल कप्स ले लें, कोई भी आपको जिसमें भी बनाना हो। तो बेसिकली ये क्या है, अच्छे से सेट हो जाएगी और थोड़े से पीसेस टाइप का निकलेगा। तो मैंने ये वाली ट्रे पे की है, तो इसमें मैं 65-70% डाल दूँगी और बाकी जो है चूल्हा बंद करती हूँ और इसी में रहने दूँगी। चलो इसको स्प्रेड करते हैं। और किसी भी चीज़ से, चम्मच हो या ये कप टाइप का हो, थोड़ा सा अच्छा सा दबा देंगे। बिल्कुल ऐसे। चलें अब देखते हैं, कस्टर्ड पे आ जाते हैं। अब कस्टर्ड को हमें थोड़ा सा थिक बनाना है, इतना थिक कि पोर भी हो सके लेकिन जाकर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सेट ना हो कि चम्मच से नहीं डालना है, हमें उल्टा करना है, लेकिन थिक कंसिस्टेंसी हमें चाहिए। तो बस इसे लगातार आप चम्मच चलाते रहेंगे और मैं बताऊँगी कि राइट कंसिस्टेंसी कौन सी है जब निकालना है। देखिए कंसिस्टेंसी कुछ ऐसी है कि चम्मच पे कस्टर्ड जो है वो कोट हो रहा है, और अगर हम यूँ लाइन करेंगे तो सेपरेट भी हो रहा है। इस पॉइंट पर हम चूल्हे को करेंगे बंद और इसको पोर कर देंगे अपने सेवैयों के ऊपर, और जल्दी करेंगे अदरवाइज ये ठंडा होके सेट हो जाएगा। ये देखें अभी लास्ट जब मैंने निकाला तो कैसा चम्मच पे चिपक गया है, तो हमें झटपट करना है। अब इसके ऊपर हम थोड़ा सा यूँ कर देंगे कि बबल वगैरह कहीं है तो निकल जाए, और ये सेवैयाँ जो लेफ्ट ओवर हमारी बची है इसको डाल देंगे। पूरा कवर कर देंगे। स्प्रेड कर देंगे अच्छे से, दबा देंगे थोड़ा सा। और अब आपके मनपसंद कोई भी नट्स वगैरह हो उससे आप गार्निश कर सकते हैं। यहाँ देखिए मेरे पास
स्लाइस की हुई आमंड्स है, बादाम ये थोड़ी सी डाल देंगे। ईद हो तो ईद का एहसास भी तो हो। और यहाँ एक टेबलस्पून के आसपास पिस्ते हैं और दो टेबलस्पून के आसपास बादाम थी। आप चाहें तो काजू भी डालें, जो भी आपको पसंद हो वो सब डाल सकते हैं। तो बस इसको अब थोड़ा सा अगेन दबा देंगे और जब तक रूम टेम्परेचर ना हो जाता है बाहर रखते हैं और उसके बाद उसको फ्रिज में सेट करने के लिए रख देंगे तकरीबन 2 से 3 घंटे तक। और अगर ज़्यादा टाइम है तो वेल एंड गुड। तो चलिए इसके ठंडा होने पे मिलते हैं। देखा कैसी शानदार सी लग रही है, ऐसा लग रहा है कोई रिच आइटम है जबकि रिच नहीं है। हमने इसमें कोई ख़ास चीज़ डाली नहीं है, सब थोड़ा थोड़ा डाला है ईद के हिसाब से। चले अब इसे हम काटते चले इसे ट्राई करते हैं। हमारी क्रिस्पी करारी मीठी मीठी सेवइयां और उसके साथ गुई गुई क्रीमी क्रीमी कस्टर्ड। कातिलाना खतरनाक है। इतनी हमने सेवइयां भूनी थी तो उसकी क्रिस्पीनेस ऑसम है, ऊपर नट्स और अंदर से ठंडी ठंडी क्रीमी क्रीमी पाई टाइप की फिलिंग। ये आई मस्ट से दैट एक मरतबा जो मैंने कुनाफा बनाया था क्रीमी वाला, उससे ये मच टेस्टियर इजियर और मज़ेदार सा है। खाना एक दफ़ा और बनता ही है। जब आप ये बनाएंगे ना धमाल मच जाएगी। ईद के दिन अगले दिन बना के रख दें फ्रिज में, आपकी मर्जी से छोटी ट्रे लें बड़ी ट्रे लें इंडिविजुअल बनाएं किसी भी तरह भी बनाएं, सब खुश हो जाएंगे पागलों की हद तक। तो चलें जल्दी जल्दी जाएं बनाएं खूब मज़े करें धमाल मचा दें। चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा, इंशाल्लाह फिर लौट के आऊँगी सिंपल फन और ख़तरनाक रेसिपी के साथ। लव यू ऑल, बाय, अल्लाह हाफिज़।